हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बेफ। सो आज हम लोग करने वाले एफ ए फोर्थ लेसन, कन्वर्शन सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी, पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये लास्ट में भी बोला जाएगा, फॉर्मेलिटी के लिए पहले बोल रही हूँ। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन फॉर इलस्ट्रेशन 7। ए लिमिटेड वॉज फॉर फॉर्म टू एक्वायर द बिजनेस ए एंड बी, हु शेयर्स प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 December 2014 वॉज अंडर। हमें यहाँ पे ए एंड बी का क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल ए इज लोन, बिल्स पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर्स, लैंड मशीनरी स्टॉक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, गुडविल। अब ये क्वेश्चन में आपके लिए कुछ नया है मेरे पास, ठीक है। हमारा हर क्वेश्चन कुछ बोलता है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं। इट वॉज एग्रीड बाय द कंपनी टू टेक ओवर द असेट्स एट बुक वैल्यू विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक एंड गुडविल which are taken over at 45,000, 20,000 and 28,000 respectively। अब यहाँ पे हमें वो क्या बोला है कि हम it was agreed by the company to take over the assets, मतलब सारे असेट लेने के, बुक वैल्यू पे जो इधर वैल्यू दी हुई है उसी पे लेने की है, बट कुछ एक्सेप्ट करके उनके लिए अलग से वैल्यू दी गई है। अब एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी थर्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहाँ पे हम लोग क्या बोला था, कंपनी टुक द फॉलोइंग असेट्स, ठीक है। हम लोगों को ये वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है, टू टेक ओवर द असेट्स एट बुक वैल्यू। मतलब इसमें एक वर्ड चेंज है, आप एक वर्ड अगर आप क्वेश्चन, हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा थर्ड से पहले सेकेंड एंड फर्स्ट, उसमें भी सेम है। और इससे पहले मतलब ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, एक एक छोटी सी चीज है, इसलिए हम लोग को इसमें जो हम लोग पीसी लिखेंगे, पीसी में हम लोग कभी भी कैश नहीं लिखते, राइट। बट हम लोग पीसी में यहाँ पे कैश लिखेंगे, क्योंकि अगर आप चेक करोगे हर टाइम का पीसी जो होता है उसमें हम लोग कैश लिखते क्या नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी थर्ड क्वेश्चन वाला उसमें भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो समझते कि मतलब सेट ऑफ हो गया, बट यहाँ पे सेट ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट्स वर रिटेन्ड बाय द फर्म एंड सोल्ड फॉर 4,000। जो इन्वेस्टमेंट था वो 4,000 में सेल किया हुआ है। द फर्म डिस्चार्ज द लोन ऑफ मिस्टर ए, मतलब लोन जो है वो खत्म हो चुका है। द कंपनी टुक ओवर द रिमेनिंग लाइबिलिटीज, बाकी जो भी लाइबिलिटी थी वो कौन कंपनी लेके जा रही है। दी परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाई इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन ए बी लिमिटेड, मतलब इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे डील हो रहा है। एंड द बैलेंस वॉज पेड इन कैश, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ द फर्म एज्यूमिंग दी शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन। हम लोग पी सी निकालेंगे, पी सी के हम लोग को क्या चाहिए, असेट्स है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सारे असेट्स लिख जाए, तो पहले एटलीस्ट असेट के, सारे असेट के हम लोग नाम लिख सकते हैं, इसमें कैश भी आएगा, ओके। तो सारे असेट्स के नाम लिख सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 असेट्स है, ओके। सारे असेट के मैं नाम लिख दिए। हम लोग को जो नए बुक वैल्यू पे कौन से असेट्स आए, लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमारा कितने में जा रहा है, 45,000। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 45,000। हमारा जो मशीनरी है वो बुक वैल्यू पे जाएगा, ओके, दैट इज 20,000। जो हमारा स्टॉक है वो हमारा वैल्यू चेंज हो गया है 20,000। डेटर्स का वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज 23,200। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 6,400,
इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 4,800, कैश एट बैंक 9,600 एंड लास्ट गुडविल उसका वैल्यू चेंज हो चुका है, इट इज 28,800 मूविंग टू लाइब्रेटीज साइड, लाइब्रेटीज में हम लोगों क्या क्या दिया हुआ है, बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल हमारे पास कितना है 7,200 एंड वन मोर चीज इज दैट इज 21,600 दैट इज अवर क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, ठीक है टोटल करो, अगर आप ऊपर टोटल असेट्स टोटल करो तो आपको मिलेगा 1,53,000 ओके, मूविंग टू नीचे अगर आप लाइब्रेटीज टोटल करो इट इज गोइंग टू बी 28,800, आप दोनों को माइनस करो, असेट माइनस लाइब्रेटी करो, आपको आपका पीसी मिलेगा दैट इज 1,24,200 ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीट विद अवर पीसी पार्ट, मूविंग टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में हमारे पास क्या है, इन द बुक्स ऑफ फर्म टू सन्ड्री असेट एंड बाय सन्ड्री लाइब्रेटीज, लाइब्रेटीज में हमारे पास यहाँ पे कितने चीज है, क्योंकि उधर क्या बोलता है ए का लोन तो पहले सेट ऑफ कर दिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज लोन, जो छोटी चीज है वो पहले लिख लिया, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स और जो भी असेट्स के नाम है वो सब आएंगे यहाँ पे, सिर्फ कैश को छोड़ के, बिकॉज कैश को हमारा अलग से अकाउंट बनने वाला है ओके। सो मैं कैश को छोड़ के हमारे यहाँ पे सारे असेट्स के नाम लिख दिए, ठीक है 27 हो गए हमारे पास असेट्स, अब इसका मेरे को बुक जो नॉर्मल जो पहले का वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है सिर्फ वही लिखना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना है 40,000, मशीनरी कितना है हमारा 20,000, स्टॉक हमारे पास कितना है 24,000, डेटर्स कितना है हमारे पास 23,200, बिल्स रिसीवेबल कितना है 6,400, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है 4,800 और क्या है गुडविल कितना है हमारे पास 8,000, ठीक है अब आप टोटल करो इसको यहाँ पे, और एज लोन हमारे पास कितना है 3,200, बिल्स पेएबल कितना है हमारे पास 7,200 और ये 21,600 ओके टोटल करो ये आपका हो जाएगा 1,26,400 ओके और ये हो जाएगा आपका 32,000 मूविंग फर्दर, ठीक है यहाँ पे हमारा पीसी आ जाएगा बाय एबी लिमिटेड कंपनी अकाउंट, ब्रैकेट में आप नीचे लिख दो पीसी कितना आया हमारे पास, पीसी कितना है 1,24,200 ओके पीसी आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लोन हमारा सेट ऑफ होने वाला है तो कौन पे करेगा, बैंक से थ्रू कैश होने वाला है टू बैंक अकाउंट लोन पेड, ठीक है लोन कितना था हमारे पास 3,200 का लोन था तो यहाँ पे 3,200 और एक और चीज हुई इन्वेस्टमेंट हम लोग बेच रहे हैं तो सेल्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट कैश आए ना इन्वेस्टमेंट हम लोग कितने में बेच रहे 4,000 तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 ओके और कुछ है नहीं है सो टोटल करते हमारे ये वाला साइड ज्यादा है दैट इज 1,60,200 माइनस करो आपको मिलेगा 30,600 इसको आपको दो जनों के बीच में बांटना है ए एंड बी के बीच में
इन द रेशियो ऑफ 3:2 के, तो करो 3:2, इसको मिलेगा 18,360 और यहाँ पे मिलेगा 12,240। सो टोटल कितना होता है 30,600। ये क्या है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड वन मोर थिंग, ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, मूविंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का पहले कैपिटल ब्रॉट डाउन करते, दैट इज 64,000 एंड 40,000। ठीक है, 64,000 40,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई जनरल रिजर्व कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग ये वाला पास करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना पास हुआ है, 18,360, 12,240। ओके, और ये सब कहाँ पे जाएगा, और हमारे पास वन मोर थिंग, हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ABN Company Limited इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब ये क्या है, कौन से रेशियो में कितना, 1 लाख शेयर इशू हुए। ठीक है, क्या था वो, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 each। अब इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों के बीच में। सो यहाँ पे तो हम लोग ऐसा कुछ बोला नहीं है, इसके हम लोग यहाँ पे बुक वैल्यू पे ही टोटल कर देंगे। ओके, हर क्वेश्चन में हम लोग को बोला है टोटल पे फाइंड आउट करने का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है। सो हम लोग नॉर्मली 3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 10 लाख को 1 लाख को 3:2 के इसमें करो, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा ए को 60,000 एंड बी को मिल जाएगा 40,000, और बाकी जो भी रहेगा वो कहाँ पे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। टोटल कितना है हमारे पास, 82,360 एंड 52,240। माइनस करो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12,240 और ए को आ जाएगा 23,360। ओके, सो नाउ मूविंग विद बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कितना है, 9,600। ठीक है, बैलेंस 9,600, और हमारे पास बैंक का क्या है, हम लोग ने लोन पे किया है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लोन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आपको भी समझ में आएगा, 3,200। ठीक है, फिर और क्या है हमारे पास, हम लोग ने सेल्स किया इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट सेल्स, दैट इज गोइंग टू बी 4,000। सो यहाँ पे 4,000। ठीक है, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे कैपिटल बैलेंस भी है पार्टनर्स कैपिटल का, किसका है, ए बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है, 22,360 और 12,240, टोटल करो कितना आता है, इट इज गोइंग टू बी, टोटल हमारा कितना होगा,
30,600, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 30,600, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बैलेंसिंग, ये तो हो गया हमारा कितना हो गया, इट इज गोइंग टू 34,600, ओके प्लस 3,200 कितना हो जाएगा हमारे पास 37,800, दोनों साइड पे आ जाएगा 37,800, माइनस करो आप, माइनस कितना हो जाएगा टोटल 13,600 माइनस हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा 24,200, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, न्यू कंपनी में टू AB लिमिटेड कंपनी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्विटी शेयर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट में क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल की जैसे हम लोग को इक्विटी मिला था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकाउंट AB, ए के पास कितना 60,000, बी के पास कितना था 40,000, टोटल 1,00,000 का इक्विटी था इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अभी टोटल हमारे पास कुछ और तो है नहीं इस अकाउंट में पोस्ट करने को, तो ये टोटल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर बन के न्यू कंपनी में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 टू AB कंपनी लिमिटेड अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ओके। एंड द लास्ट वन हमारे पास क्या है मालूम है, यहाँ पे आ जाएगा ये इक्विटी का आ जाएगा हमारे पास, पहले हम लोग इक्विटी लिख लेते बाय इक्विटी शेयर्स अकाउंट कितना है, टोटल कितना है 1,00,000, आउटर कॉलम 1,00,000, ठीक है। हमारे पास रियलाइजेशन से पीसी भी है, सो टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट पीसी कितना है 1,24,200, एंड हमारे पास एक चीज और है यहाँ पे बैंक का टू बाय बैंक बाय बैंक अकाउंट, बैंक का टोटल दैट इज 24,200, ओके टोटल का सेम आंसर है 1,24,200, यहाँ पे भी 1,24,200, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हम लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।